इधर तीन तलाक पर सख्त कानून बनने के बावजूद तीन तलाक देने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। सोशल मीडिया, फोन और चिट्ठी के जरिए तलाक के मामले तो कई सामने आए, लेकिन अब जबलपुर की रहने वाली एक महिला को उसके पति ने नोटिस भेजकर तीन तलाक दे दिया है। आरोपी पति शेख आमिर ने अपनी पत्नी को एक नोटिस भिजवाया जिसमें उसने तीन बार तलाक कहकर पत्नी से रिश्ता खत्म कर लिया। इसके बाद अब पीड़िता ने हनुमानताल पुलिस की शरण लेते हुए थाने में दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक देने की तहरीर दी है। इसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। सीएसपी अखिलेश गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि मक्का नगर में रहने वाली 30 साल की महिला शहनाज बानो ने हनुमानताल थाना पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा है कि उसका निकाह साल 2013 में मुस्लिम रीति रिवाज से शेख आमिर के साथ हुआ था। शादी के दौरान परिजनों ने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया, लेकिन शादी के 2 माह बाद से ही पति शेख आमिर सहित सास ससुर और ननंद 5 लाख रुपए की मांग करने लगे थे। मांग पूरी न होने पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना पति ने ससुराल वालों के साथ मिलकर देना शुरू कर दी। इसके बाद वह अपने मायके चली गई, लेकिन फिर भी जब मांग पूरी नहीं हुई तो 6 दिसंबर साल 2016 में पति शेख आमिर ने तलाक का पहला नोटराइज स्टाम्प में तलाक नामा का नोटिस भेजा। उसके बाद 16 जनवरी 2023 में दूसरा नोटिस और फिर इसी तरह 17 मार्च 2023 को तलाक नामा भेजकर तलाक दे दिया। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने पति शेख आमिर समेत ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ससुराल वाले बिना 5 लाख रुपए के किसी भी बात को सुनने राजी नहीं हुए। इसके बाद पीड़िता ने अपने पति शेख आमिर समेत सास ससुर और ननंद के खिलाफ हनुमानताल थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कल थाना हनुमानताल में शहनाज बानो नामक महिला द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि उसकी शादी को 10 वर्ष हो चुके हैं और परिवार के द्वारा उसे रखा नहीं जा रहा है और उसके पति के द्वारा नोटिस तीन तलाक का दिया गया है। उस आधार पर मामला संज्ञेय अपराध का पाया गया और उस पर परिवारजनों और पति के विरुद्ध में दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक का मामला पंजीबद्ध किया गया है जिसमें विवेचना की जा रही है। पति का नाम एफआईआर में देख के स्पष्ट कर दिया जाएगा।